सर कंप्लीटली हमारे साथ क्या कर रहे हैं, देखिए देखिए भाई अच्छा है वीडियो बना रहे हैं, ठीक है कहीं पास प्रैंक ना हो। पापा जितना ही सामान लाते रहेंगे सबका हिसाब मिला रहे हैं और ये सारा बड़े पापा का सामान है, इसमें से एक दो सामान है जो कि पापा का क्या ही अमरूद है, देख रहे हो तगड़ा वाला भाई साहब। और इस तरफ देखो कोई और नहीं खाएगा, एक बज रहा है ना भाई साहब। आजकल टाइम कहाँ निकल रहा है, मतलब कितनी तेजी में निकल रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब, कुछ पता नहीं। ये क्या है ब्रो, ये तो ठीक है भाई साहब, बस हिसाब क्या है। वेलकम बैक टू बी अनदर व्लॉग। क्या हालचाल है आप सभी, क्या आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी सुबह का वक्त है, सुबह के बज रहे हैं 9, सो गुड मॉर्निंग। और गाइस देखो आप लोग बाहर का मौसम देखो, क्या ही प्यारा मौसम है, देख रहे हो गाइस। हाँ मम्मी बोली उस दिन से जो ही गर्मी था, जो ही गर्मी बढ़ गया था ना भाई साहब, पूछो मत। आज जाके मौसम सुबह से ही बहुत ही मस्त है गाइस, हवा भी चल रहा है। और देखो आप पहले देखो वहाँ पे झंडा देखो गाइस, देख रहे हो ठंडी। हाँ मम्मी बोले कि अब धीरे धीरे ठंडा वैसे भी मतलब नजदीक आ ही चुका है गाइस, और ठंडा भगाल का लगने भी लगा है, इसीलिए तो टी शर्ट पहने हैं, पूछो मत। मस्त मौसम है। और हाँ फिलहाल तो मम्मी इधर बना रही है चाय, जो कि चाय बन चुका है। और ये तो गाइस सुबह सुबह मम्मी काट रही है पपीता खाने के लिए, जो कि खाली पेट खाना चाहिए गाइस, फायदा करता है हमारे, हाँ हमारे लीवर को ज्यादा फायदा करता है, लीवर को किडनी को। ये देखो इधर बन चुका है चाय। हाँ क्या ही फल लग रहा है गाइस, कलर देखो कलर क्या ही मस्त लग रहा है ना भाई साहब। और हाँ अभी तो फिलहाल जा रहे हैं दुकान में, क्योंकि पापा आएंगे ऊपर चाय पियेंगे और सुबह में ही चले जाते हैं दुकान खोलने के लिए, तो आएंगे थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेंगे गाइस। तो चलते हैं पपीता खाते हैं गाइस, उसके बाद चलते हैं दुकान में। ओके गाइस वी आर बैक टू होम। 9 बजे सुबह में गए थे दुकान पे, पापा आए थे चाय पीने के लिए, फिर पापा गए थे मार्केट। और आज बड़े पापा दुकान जा रहे थे ना गाइस, तो बोले थे कि मतलब पापा को दुकान में भेजने के लिए, बड़े पापा को कुछ काम था गाइस, तो पापा गए थे और अभी आए हैं। देखो टाइम कितना हो रहा है गाइस, आप लोग टाइम देख लो, एक बज रहा है ना भाई साहब। आजकल टाइम कहाँ निकल रहा है, मतलब कितनी तेजी में निकल रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब, कुछ पता नहीं चल रहा है। और बड़े पापा भी दुकान खोले गाइस, तो उनको भी थोड़ा अभी मतलब अकेले प्रॉब्लम होता है, पहले छोटा दुकान था अभी बड़ा दुकान है गाइस, तो बड़े पापा को ठीक से समझ नहीं आता कैसे क्या करना है नहीं करना सामान वगैरह को लेकर। तो पापा को बुलाते, तो पापा गए थे आज भी गए थे पापा गाइस, और अभी आए तो पापा नहा धो गए दुकान में, और अभी हम आए घर में गाइस। फिलहाल तो अभी जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा है, सुबह में मौसम अच्छा था। बट गाइस देखो क्या है, धूप निकल गया सरावा, तो चलो कोई नहीं गाइस पहले नहा लेते हैं। ओके बॉयज नहाना धोना पार्ट इज डन। फिलहाल तो मम्मी इधर निकाल रही है खाना, ये देखो। और मम्मी खाना में क्या बना है आज, आलू गोभी का सब्जी, चावल मिक्स वेज, और उधर पपीता है गाइस उसमें मिक्स वेज। सो गाइस बेसिकली आप लोग जानते हो मिक्स वेज में बहुत तरह का सब्जी होता है, बैगन कद्दू टमाटर और क्या क्या रहता है, बहुत सारा सब्जी रहता है गाइस, सबका नाम तो नहीं पता, गोभी वगैरह बंधा गोभी, बहुत सारा सब्जी रहता है गाइस, पालक वालक सब कुछ। हाँ तो उसको कहते हैं मिक्स वेज, जो कि आप लोगों को पता है गाइस। तो चलो ठीक है खाना मम्मी निकाल रही है, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद डेट तो बज जाएगा गाइस, फिर जाएंगे दुकान में, दुकान से निकलेंगे 4:30 बजे गाइस, उसके बाद आपसे मिलेंगे। और गाइस 6 बजे वीडियो भी अपलोड करना है, बहुत ही ज्यादा काम है गाइस और समय की थोड़ी सी कमी है गाइस, तो बस कोई नहीं चलते अब गाइस खाना खाने के लिए। ओके गाइस दुकान में आ चुके हैं, और देखो यहाँ पर है राहुल जो कि है सुमित का दोस्त, और राहुल का कुछ पार्सल आया है, क्या आया है इतना बड़ा में पता नहीं, पूछते हैं क्या आया दोस्त। मंगाए तो हेडफोन थे, पता नहीं क्या आया, देखिए इतना बड़ा पार्सल दिया, तो बोलने भी नहीं आया। सो गाइस इसमें मंगाया था हेडफोन जो आता है ना गाइस, और इतना बड़ा डब्बा में भेजा है गाइस, इतना छोटा डब्बा है वो हेडफोन का, और देखो आप लोग पैकिंग देखो। तो चलो एक बार देखते हैं आखिर इसमें ईटा पता तो नहीं आ गया गाइस, स्कैम कहीं ना हो जाए भाई। पारो पारो दोस्त पारो, अरे फाड़ दे भाई हाथ से, फाड़ दे फाड़ दे, हमारे साथ बने रहे। फट चुका है पार्सल, ओ भाई साहब ये क्या है, ये क्या है,
मंगाया जूता बोल रहा है ईयरबड। हाँ अमेज़न कंपनी ने हमारे साथ क्या कर रहे हैं, देखिए देखिए भाई अच्छा है वीडियो बना रहे हैं, ठीक है कहीं पास अब प्रैंक ना हो जाए दोस्त। देखिए हमारा पार्सल अब फट रहा है, देखिए किसे फट रहा है और पता नहीं पार्सल फटने के बाद इसका क्या फटेगा वो तो भगवान ही जानेगा। ये क्या निकला है भाई साहब बस तो चलो ठीक है पैक है बट इतना बड़ा डब्बा इतना बड़ा डब्बा में ये छोटा सा हेडफोन भाई साहब भाई पहले खोल के तो देखो इसमें है भी या नहीं, साथ में ये भी है। खोल के देखो भाई खोल के देखो, देखने में क्या लगता है, इतना कहीं साबुन ना हो। ओके ओके पहले ही दिख गया, फर इसको फर 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 पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इसे। ब्लूटूथ ही है ना, खोलो 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 खोल के तो देखो, ब्लैक कलर में है। चल वो भाई साहब जो चीज मंगाया था वो तो आ गया, बट गाइस लिटरली इतना बड़ा डब्बा भाई, इतना बड़ा डब्बा तो कपड़ा वगैरह में भी आता है, उसमें भी उतना बड़ा नहीं आता है गाइस। देखिए भाई और इसके साथ में क्या क्या भेजे कंपनी ने, उसको भी दिखा, उसको भी खोलो। हाँ भाई ये किसका बोट का है क्या, बोट का ये देखिए बोट 141 का, योर बोट 499 का है देखिए बस। अच्छा ना खोला जा रहा है, सुन के देख पता चलेगा उसके उसके अंदर दिखा दीजिए उसके अंदर क्या, उसके चार्जर का अनबॉक्सिंग देखिए, चार्जर चार्जर छोटा सा केबल है और ये है चलो ठीक है, नॉर्मल सा बोट का हेडफोन है, बट गाइस पैकेजिंग बहुत ज्यादा बड़ा था, बट चलो जो मंगाया था वो तो आ गया। अच्छा किसको किसको लगा कि यहाँ पे स्कैम हुआ है, अरे एक और नहीं हम लोग को तो एक्चुअली लग रहा था बट कंपनी ने कुछ नहीं किया है, देखिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, रबड़ भी इसके साथ, इतना बड़ा पैकेज देखकर लगा कि नहीं लगा कि कुछ तो घपला है, कुछ तो गोलमाल था। ओके गाइस वी आर बैक टू वी आर होम, और गाइस अभी इस पेड़ में ना अमरूद दिख रहा था मम्मी को, तो ऊपर जाकर अमरूद तोड़े, और गाइस ये देखो लेट्स चेक दिस आउट भाई, क्या ही अमरूद है यार, क्या ही अमरूद है, देख रहे हो तगड़ा वाला भाई साहब, और इस तरफ देखो कोई और नहीं खाया गाइस, हम ही खाए, सोचे आप लोग को भी दिखला दे गाइस, क्योंकि ब्लॉगर का लाइफ ना गाइस हर एक चीज शूट करना पड़ता है गाइस और आप लोग को दिखलाना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा मीठा भाई, बहुत ज्यादा, जब खा लिए ना तब याद आया कि यार मैं तो वीडियो भी बनाता हूँ ना, ब्लॉगर हूँ, बहुत मीठा भाई बहुत मीठा। यहाँ पे था छत पे जाके तोड़े गाइस, मम्मी दिखलाई है, और भी ऐसा बहुत सारा अमरूद था गाइस जो कि चिड़िया खा जाता है या फिर चमगादड़ रात भर उड़ते रहता है वो खा जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये देखो ये गिरा हुआ है, ये देखो ये गिरा हुआ है, वो गिरा हुआ है, सारा पका पका अमरूद जब तोड़ने जाते हैं ना गाइस तो आधा गायब रहता है, फेंक देते हैं नहीं तो खुद ही गिर जाता है गाइस। बाकी ये अमरूद ठीक है गाइस, पूरा मस्त था, चिकन जिसको बोलते हैं चिकन वैसा था, अच्छा है गाइस। ओके गाइस अभी जा रहे हैं दुकान में और शाम हो चुका है गाइस, शाम के बज रहे हैं 6:30, सो गुड इवनिंग, मम्मी पूजा कर रही थी, पूजा भी कम्प्लीट हो चुका है, और गाइस बड़े पापा के दुकान में सामान नहीं है और लाने वाला कोई नहीं गाइस, जैसे कि आपको पता है पापा ही कर रहे हैं सब कुछ मैनेज, तो अभी पापा जा रहे हैं मार्केट, कुछ अपने दुकान का भी सामान ले लेंगे, बड़े पापा के दुकान का भी बहुत सारा सामान है जो कि लाना है, जैसे कि आपको पता है गाइस, मैंने बताया कि पापा को इन सब चीजों का ज्यादा नॉलेज है, तो पापा ही जा रहे गाइस सामान, बड़े पापा को भी ला खरीद कर देना है, फिर कुछ दुकान के लिए भी लाना है गाइस, तो चलो, और अभी गए थे चौक पे इसलिए थोड़ा सा हाफ रहे गाइस, तो चलो चलते हैं दुकान में गाइस। ओके गाइस दुकान से वापस आ चुके, पापा जा चुके दुकान में सामान लाने के लिए गए थे, और गाइस ये देखो ये जितना भी सामान है ना ये बड़े पापा के दुकान के लिए गाइस जो कि पापा लाने गए थे, और पापा को ज्यादा आइडिया रहता है गाइस इन सब चीजों का कि ये जम्बो वगैरह ये सब कहाँ मिलता है, तो पापा गए थे लाने के लिए, अपनी दुकान के लिए लाने गए थे, तो वो दुकान में ही रख दिए, और जो बड़े पापा है गाइस ऊपर ले आए, फिर उसका सारा चीज मिलाकर फिर बड़े पापा जब से रात में आएंगे तो उनको दे देंगे गाइस, बाकी यही सब चीज है, और मम्मी बोली थी समोसा लेते आने के लिए गाइस, तो ये रहा समोसा, चलो कुछ नाश्ता कर ले यार, एक टाइम जो दोपहर में खाते हैं उस वक्त कुछ भी नहीं खाते, कभी कदाल होता है कि नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो चलो ठीक है गाइस
ऑल राइट गाइस, द टाइम इज 10 PM। मम्मी इधर बना दिखाना जो कि ऑलमोस्ट बन ही चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है बनकर। और इधर पापा जितना ही सामान लाए थे गाइस, सबका हिसाब मिला रहे हैं। और ये सारा बड़े पापा का सामान है, इसमें से एक दो सामान है जो कि पापा के दुकान का भी है, और भी सामान था पापा के दुकान का, तो वो पापा दुकान में ही रख लिए थे, और जितना बड़े पापा का था वो ऊपर ले आए थे, हिसाब मिल चुका है। और बस बड़े पापा को दे देना है गाइस। वैसे बड़े पापा शायद अभी आए नहीं है, आ गए शायद, पता नहीं, कन्फर्म नहीं है, अभी नहीं आए ना, अभी नहीं आए गाइस। और गाइस चेक दिस आउट, बाहर लाइट कटा हुआ है गाइस, लाइट कटा हुआ है। और गाइस आजकल लाइट बहुत ही ज्यादा कटता है, आई डोंट नो व्हाई, बट लाइट दिन में भी 3-4 बार 5-6 बार ऐसे कट ही जाता है। हमारा इन्वर्टर बीप 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 करने लगता है गाइस, जिससे कि हमें अंदाजा लग जाता है कि लाइट कट चुका है, पर सच में बहुत कटता है। पहले तो नहीं कटता था, बट कुछ दिनों से लाइट बहुत कटने लगा, या फिर कोई चोरी करने लगा है, आई मीन की तार फंसाने लगा, इस वजह से भी हो सकता है। और कल तो क्या बात है ना, कल 9:30 बजे करीब में रात में तेजी उड़ गया, मेरा भी और नीचे बड़ी मम्मी का भी, हाँ दोनों का एक ही पेज है गाइस, इसीलिए। और भी अगल बगल में जिनका पेज अलग है गाइस, उन लोगों का लाइन था, और कुछ लोग के घर में लाइन नहीं था गाइस, हम लोग घर में लाइन नहीं था। और ये तभी होता है जब लोग तार फंसाते हैं गाइस ना मम्मी, हाँ भाई साहब क्या ही बोल सकते हैं गाइस, तेजी उड़ जाता है हम लोग। हाँ हाँ वही बात है। तो चलो ठीक है गाइस, खाना बन के रेडी हो चुका है, तो चलते हैं डिनर करने के लिए। ऑलराइट गाइस, डिनर कंप्लीट हो चुका है, फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना गाइस, जिससे कि नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।